उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोंडा में धर्मशाला की आधारशिला रखी। जब से अयोध्या में रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तब से देश विदेश एवं दूसरे राज्यों के लोगों का रुझान अयोध्या की तरफ हो गया है। भगवान श्री राम की नगरी में, आपको बता दें कि अयोध्या नगरी धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लैंडमार्क बनने जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रविवार को गोंडा जनपद के महेशपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या गोरखपुर हाईवे के किनारे दिल्ली सेवाधाम अयोध्या द्वारा राम मंदिर दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों हेतु सेवार्थ एवं समस्त प्रकार के सुख सुविधा से निर्मित होने वाले भव्य बहु उपयोगी धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम हवन पूजन कार्यक्रम के बाद धर्मशाला की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में शामिल लोगों के सामने यूपी व केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर तारीफें की। दिल्ली सेवा धर्मशाला उपाध्यक्ष रविंद्र गोयल ने बताया कि 5-स्टार होटल की तर्ज पर 5 मंजिला धर्मशाला बनेगा, जिसमें 400 कमरे एसी रूम के बनाए जाएंगे, जिसमें कमरे सभी प्रकार की सुख सुविधा से लैस होंगे। धर्मशाला में अयोध्या की तर्ज पर एक सीता रसोई होगी, जिसमें एक बार में 400 लोगों का भोजन बनेगा। साथ ही साथ धर्मशाला में पूजा के लिए राम मंदिर का निर्माण भी होगा। धर्मशाला में एक पार्क कन्वेंशन हॉल बनेगा, जिसकी क्षमता करीब 700 लोगों की होगी। मेडिटेशन सेंटर, हरियाली वातावरण, प्रसाधान की सुविधा, रामकथा भागवत के लिए स्थान होगा। धर्मशाला में एक गौशाला बनाया जाएगा, जिसमें देसी गायों का पालन होगा तथा उनके दूध का इस्तेमाल सिर्फ धर्मशाला के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती प्रथम प्रोजेक्ट में 400 कमरे का निर्माण होगा, बाद में इसे 700 कमरों का बनाया जाएगा।